भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन बढ़ती महंगाई की मार झेल रहा है, जिस वजह से वो चर्चा का विषय रहता है। वहीं पाकिस्तान आईएमएफ से पैसों की मदद मांगता जा रहा है। वहीं ऐसे में अगर आपको जानना है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम है जिस पर आईएमएफ कुछ शर्तें लगाना चाहता है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि ईएफएफ के जरिए देश के लिए 6 से 8 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच एक नया पैकेज देने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट की है। अगर इसकी मंजूरी मिल गई तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की पाकिस्तान को ये 24वीं मदद होगी। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ ने पाकिस्तान से 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन पाने वालों पर टैक्स लगाने के लिए कहा है। साथ ही देश में टैक्स भी बढ़ने की शर्त रखी है। अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना है तो उन्हें टैक्स से जुड़े ये फाइनेंशियल चेंजेस लागू करने होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम है जिस पर आईएमएफ कंट्रोल करना चाहता है, तो आपको यहाँ इस सवाल का जवाब मिल सकता है। पाकिस्तान में सामानों की बिक्री पर जनरल या फिर स्टैंडर्ड सेल टैक्स, जिसे जीएसटी या फिर वैट भी कहा जाता है, जिसकी मौजूदा दर यानी कि रेट करीबन 18% तक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पहले ये 17% तक टैक्स रेट था। पिछले साल यानी साल 2023 में इसे एडिशनल रेवेन्यू के लिए बढ़ाया गया था, जिसके बाद ये करीबन 64 करोड़ डॉलर तक बढ़कर 18% हो गया। पाकिस्तान में राज्यों की तरफ सर्विसेज पर सेल टैक्स लगता है। पाकिस्तान में सर्विसेज पर सेल टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर यानी कि रेट से लगाया जाता है। इसकी दर 13 से 16% के बीच है। पाकिस्तान में सर्विसेज के लिए टैक्स सिस्टम अलग है। इसके तहत गुड्स इम्पोर्ट यानी कि कमर्शियल इम्पोर्ट पर अलग से 3% वैट लगाया जाता है। सप्लाई के मामले में टैक्स पेयर्स को 4% एक्स्ट्रा भी टैक्स देना होता है। क्या आप पाकिस्तान के इस टैक्स सिस्टम के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।